बेबे नानकी जी का रिश्ता होया भाई जय राम जी दे नाल सुल्तानपुर दे रहन वाले सन। असल विच ए जांदे सन राय भोए दी तलवंडी, जमीन दी पमैश करना इन्हां दा काम सी, हकूमत दी नौकरी करदे सन ते भाई जय राम पमैश करदे सन। राय बुलार दा रिश्तेदार सी सुल्तानपुर दा नवाब दौलत खां। जदों जय राम जी तलवंडी गए उन्हां देखिया नौजवान नूं, बाबा कालू जी ने बुलाया, दौलत खां नाल गलबात कीती ते बेबे नानकी दा रिश्ता राय बुलार जी ने आप कराया ते विच इधर दूसरे पासे नवाब दौलत खां ते तन गुरु नानक साहब जी दी बेबे नानकी उन्हां दी भैन बेबे नानकी दा विआह भाई जय राम नाल होया ते आप जी सुल्तानपुर आ गए। आ सुल्तानपुर जो असी देखने आ गोइंदवाल साहब दे नज़दीक, पर वीर पिछे दिल ना लगे क्योंकि भैन ते प्यार दा ने भी इतना सी। बेबे आ गई जिवें साडी रस्मो रिवाज है कि भैन नू लैण वास्ते वीर जांदे ने, जदों सहुरे घर जाए ते वीर लैण जांदे ने। कहिंदे ने मात तृप्ता ने बाबा कालू जी ने अपने पुत्र नू भेजिया, कहन लगे नानक नानकी नू गया बहुत दिन होए, बेटा नौकर नाल लै जा ते तू नानकी नू सुल्तानपुर तो लै के आ। तन गुरु नानक साहब चाओ चाओ चले सुल्तानपुर आए। मैं तां ये शब्द चुने हैं, ये विच एक बड़ी वड्डी भावना है। जदों सुल्तानपुर पहुँचे ते बेबे नानकी दे दरवाजे अगे चले गए, दरवाज़ा खड़काया, बेबे परिवार ने दरवाज़ा खोलिया ते बेबे नानकी तन गुरु नानक साहब नू दहलीज विच खलोंदियां खलोतियां देख शरदा दी भिजी होई इको दम गुरु नानक साहब दे चरणा ते मत्था टेकन लगी। इनू हर इतिहासिक ग्रंथ ने लिखे, मैं वो शब्दावली थोड़ी थोड़ी वरत रहा। मत्था टेकन लगी ते तन गुरु नानक साहब ने अगो मत्था पकड़ लिया, भैन दा मत्था पकड़िया, घुट के प्यार सीने नाल लाया ते नाल कहन लगे, बेबे ये शब्द वरते, बेबे तू वड्डी है, मत्था तां असी टेकीए, असी तेरे तो छोटे आ, तू मैनू प्यार करनी कह, तू वड्डी खो के क्यों झुक रही है। शरदा च भिजी ने कहा, वीर सच है वे, मैं तेनू वीर जान के नहीं, मैं तेनू अपना गुरु जान के चुकी। राय बुलार उन्होंने पता लगा भी बेबे नानकी वापस अपने सहुरे घर सुल्तानपुर जाना है। भाई जय राम लैण आ गया कुछ महीनों तो बाद। इतिहास कहिंदा राय बुलार ने बेबे नानकी नू ते जय राम जी नू अपने कोल बुलाया, धी दी तरह प्यार देंदे सन। कहन लगे, बेटा बेबे धीए मैं एक तेरे नाल इकल्या गल करनी। बेबे नानकी ते भाई जय राम कहन लगे, दसो राय जी। ते राय बुलार ने देखो मुसलमान दा अकीदा किवें, उहने तां इत्थों तक बाबा कालू नू कहा सी, बाबा देखी नानक नू किते झिड़कदा होवे इहदे करके तां मेरा शहर वसदा, इहदे करके मेरा नगर वसदा है। पर जदों दोनों बेबे नानकी ते भाई जय राम कोल गए, राय बुलार ने कहा, जय राम एक कम कर, दसो राय जी। कहिंदे मेरे रोज तो बर्दाश्त नहीं रोज हुंदा मेरे तो कि कदी गुरु नानक साहब नूं झिड़कदे ने बाबा कालू जी, कदी उहनूं कुछ कहिंदे ने। एक कम कर, इह तां रब रूप है, इह खुदा दा रूप है, इहनूं समझ नहीं अजे। बाबे कालू नू तू यतन कर इनू सुल्तानपुर लै जा, कोई नौकरी का प्रबंध हो जाएगा, चलो भावे मैनू विछोड़ा पै जाना है, मैं रह नहीं सकता, पर इस विछोड़े नू जर लांगा क्योंकि रोज रोज बाबे नानक नू पैंदियां झिड़कां मैं सुन नहीं सकता। कहिंदे ने भाई जय राम सुल्तानपुर आ गए। इन्हां ने नवाब दौलत खां नाल गल कीती, उन्हां कहा मेरा एक रिश्तेदार है, सूझवान सुगड़ है, दूर अंदेश है। ते जय राम जी दे कहन ते दौलत खां ने कहा, मोदी दी कार करन वाला कोई नहीं, गुरु नानक साहब राय भोए दी तलवंडी तो मोदी दी किरत कर ली,
सुल्तानपुर आने लिए तैयार हो गए। तन गुरु नानक साहब सुल्तानपुर आ गए। इत्थे कुछ दिन बेबे नानकी दे घर रुके। आउंदिया सार नौकरी नहीं कीती, ये वखरा प्रकरण है कि मोदी की कार की सी। अज देखो मामला देंदे आप जिमीदारा करन वाले बैठे हो। पुरातन समय की हुंदा सी कि जेड़ी जिनस आउंदी सी ना, रुपया नहीं सी, जिनस ही दित्ती जांदी सी सरकारी खजाने च। उहदे बदले जिनस ही नौकरां नूं चाकरां नूं दित्ती जांदी सी। ते जेड़ा मोदी दी कार करदा सी मोदी दी, उहनूं अलूफा मिलदा सी। उहदा अर्थ हुंदा सी अपनी तनखाह तों बिना भी मिलना। हजूर अजे आए ने, दौलत खां ने देखिया हजूर दे पवित्र स्वरूप नूं। जय राम नूं कहिंदे ने कि इहनूं देख के ठंड पैंदी ए, ये बोलदे भी ने। हजूर मुस्कराए। उस वेले बेबे नानकी नूं कहन लगे, बेबे जे हुण किरतकार लभ जाए छेती तां बहुत चंगा। बेबे ने एक शब्द क्या कहन लगी, वीर मेरे घर च किसे चीज की कमी नहीं, तू घर बैठा रहो, तू भजन कर, बंदगी कर, परमेश्वर दे गीत गा, जो चाहेगा मैं सब कुछ प्रबंध करांगी। देखो गुरु नानक दा सिद्धांत। कहन लगे, बेबे भैन ते भार नहीं, किरत करिया तन सुचा हुंदा है, नाले हत्थी किरत करांगे, अंदरों परमात्मा दी कीर्ति करांगे। जिथे किरत ते परमात्मा दा कीर्तन रल जाए, उथे लोक ते परलोक सौर जांदा। एक किरत दूजी कीर्ति। मोदी खाने विच नौकरी मिल गई। इथे इतिहास ने कहा हजूर ने अपने विचों जो बचना गरीबां विच वंड देना। हुण जेड़ा बंदा पहला उथे बेईमानी करदा सी, उन्हें देखिया भी इन्ना कुछ वंडी जांदा है, कन्न भरने शुरू कर दिते। कहन लगे, देखो नानक मोदी खाना उजाड़ दिता। दौलत खान नूं कहन लगे, तेरा सब कुछ इस नवे मोदी ने लुटा दिता। ते कहिंदे ने शिकायत की गई, तन गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह जी का दो वरी हिसाब होया। जिन्हें को आंकड़े दास कोल ने, इतिहास ने थोड़े बहुत अगे पिछे लिखे ने। पहली वरी हिसाब होया 135 रुपये बाबा जी दे निकले। अज देखो उस रुपये की कीमत किन्नी, 135 बाबा जी दे निकले। ते जदो दूजी वार फिर हिसाब किया गया ते गुरु नानक साहब दे 371 रुपये निकले। जदो वाधा निकलिया ते दौलत खां लैके आया ते नाले खासा नीवा जास के कहिंदा, मैनू बख्श दई आ रुपये। कहन लगे, इन्हां रुपयां की खातर तू साडे किरत उत्ते शक कर बैठा, जा छड़ी तेरी किरत, अज तो बाद ओदी कीर्ति करांगे जिन्हें सानू संसार च काम लई भेजिया। इन माया दे मार सतगुरु दे नगारिया दे तार, नेवटियां दे योट धन धन सच, साहिब जी गुरु नानक पातशाह महाराज दी आरती दे वरो साहिब पावन पवित्र अस्थान गुरुद्वारा श्री संत घर साहिब जी विखे, जिथे आप जी ने मूल मंत्र प्रचार किया, दाता जी धन धन सतगुरु साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब ग्रीव नवाय पातशाह जी, आप जी के पावन पवित्र चरण कमलों पास अरदास बेनती है जी। सतगुर नानक ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ
ਸੰਤਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਰਬੱਤ ਸੰਗਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਸੰਤ ਘਾਟ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਸ਼ਰਧਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਿਵਾਜੇ ਬੇਅੰਤ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਕਰਮ ਧਰਮ ਪਾਖੰਡ ਜੋ ਦਿਸੈ
तिन जम जा बाती लूट निर्वाण कीर्तन गावह करते का निबख सिमरत जित छूट संत हो सागर पार उतरिया जे को वचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी तरिया रहाओ कोट तीरथ मज्जन इस नाना इस कल मैं मैल परी जा साध संग जो हर गुण गावे सो निर्मल कर लीजै वेद कतेब सिमृत सब सासत इन पढ़िया मुक्त न होई एक अखर जो गुरमुख जापै तिसकी निर्मल सोई खत्री ब्राह्मण सूद वैश उपदेश चौवर ना पौ समझा गुरमुख नाम जपै उदरै सो कलमै घट घट नानक माझा खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौवर ना पौ समझा गुरमुख नाम जपै उतरै सो कलमै घट घट नानक माझा महला पंजवा करम धर्म पाखंड जो दिस है तिन जम जा गाती लूटे निर्वाण कीर्तन गावो करते का निमक सिमरत जित छूटे वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। ऐसे दीन दयाल सतगुरु पहले पातशाह धन गुरु नानक देव जी का 550 साल प्रकाश दिहाड़ा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सिख पंथ देशों विदेशों तो गुरुद्वारा संत घाट विखे हुणे हुणे अखंड पाठ साहिब जी की समाप्ति हुई है। आप सिख संगतां नूं पातशाह जी दे प्रकाश दिहाड़े दियां बेअंत बेअंत वधाइयां हुण जी। आपां साहिब गुरु नानक देव जी दियां सिख्यावां ते चलना है। किरत करो नाम जपो वंड के छको ते साहिब गुरु नानक देव जी ने सानू वहमां भरमां तों इस अंधेरे विचों कढ के सानू चानण दिता गुरबाणी दा चानण। गुरबाणी दे चानण विच चलना है। देशां विदेशां तों संगतां दा ठाठा मारदा इह समुंदर गुरु नानक निष्काम सेवक जथा बर्मिंघम यूके तों जिन्हां नूं श्री अकाल तख्त साहिब तों सेवावां बदले भाई साहिब जी की उपाधि बख्शी भाई साहिब भाई महिंदर सिंह जी यूके वाले उन्हां दा सारा जथा सतगुरु जी नूं नतमस्तक होण आया। किन्ने अस्थान
कैबे को शोभा नहीं देखा ही, परवान उड़े उड़े को पया। गुरु घर के कीर्तनिया ने कीर्तन बहुत सुंदर गुरु घर के ग्रंथी साहब जी ने अरदास की। हुक्मनामा वेखो कैसा है, करम धर्म पखंड जो दिश है। पातशाह ने आख्या करम धर्म छोड़ो, ये पखंड है। विधि पूजा तीन जम जा गाती लूट है, निर्वाण कीर्तन गावा हो करते का निमक है। सिमरत जित छूटै सतो सागर पार उतरिया, जे कोई बचन कमावे संतन का सो गुर प्रसादी करिए। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। भाई साहब जिन्हों गुरु घर वालों चौंक हरिमंदर साहब जी की सेवा, सारे गुरु घर की सेवा सोने की, उन्होंने सत्कार गुरद्वारा श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों सरपाओ बख्शिश दी जाएगी जी। भाई साहब आके सरोपा लैन, वाहेगुरु जी का खालसा। प्रकाश गुरपुरब जी जो हैनी ग्रंथी सबका श्री हरिमंदर साहब के उन्होंने महापुरुषा वालों सुरूपा उन्होंने भी बख्श किया जाऊगा। कृपा कर बड़े मेहनत सुभागुर सेवा बड़ी जिम्मेवारी वाले का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सतगुर नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंद जग चानण हुआ। ज्यों कर सूरज निकलिया, तारे छपे अंधेर पलोआ। करन करावन सरन परिया, गुरप्रसाद सहज घर पाया। मिट्टिया अंधेरा चंद चढ़िया। अज सुल्तानपुर लोधी की धरती ते साहिब गुरु नानक देव जी दे प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब दे भोग पए अते खालसा पंथ अते साहिब गुरु नानक देव जी निष्काम सेवक जत्था यूके बिरमिंघम तो भाई साहिब भाई महेंद्र सिंह जी का सारा ही जत्था अंदर कीर्तन चल रहा है। अते महापुरख भाई साहब आप पहुँचे है। सिख संगत इंज ही लग रहा सी कि प्रतख हर ते जिस तरह साहिब गुरु नानक देव जी ने इत्थे मूल मंत्र उच्चारण किया, बहुत खुशियां वरत रही ने। भाई साहब जी की अरदास करदे आ कि भाई साहब जी नूं उन्हां दे सारे जत्थे नूं जिस तरह वो प्रचार प्रसार कर रहे ने, जिस तरह वो दरबार साहब दे सेवा कीती है सोने की, होर स्थानां दी सेवा कर रहे हैं, तो उन्हां नूं महाराज तंदुरुस्ती ते नाले सारे किरती ने किरत करो नाम जपो वंड छको। तो सारा ही इत्थे तां सुल्तानपुरा जिहड़ा नाम दे विच रंगिया गया, जिस तरह पातशाह ने आख्या सी ना काया रंगण जेथिए प्यारे पाइए नाम मजीठ, वह मजीठ रंग दे विच रंगिया होया। दास वल्लों भाई साहिब नूं भाई साहिब दे जत्थे नूं गुरु नानक निष्काम सेवक जत्था बर्मिंघम नूं लख लख वधाई। सिख पंथ नूं सारे नूं यूके यूएसए जिथे भी जिथे जिथे सिख संगतां ने यूरोप देश विदेश दीआं संगतां नूं लख लख वधाई होवे जी। बाणी नाल जुड़ो, बाणे नाल जुड़ो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।
ਹੈ।